गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे इट इज 9th August 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 6, बर्ड्स आवर फेदर फ्रेंड्स। बर्ड्स our feather birds our feather friends okay now let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I start explaining you about the different types of the beaks of the bird. As we know that student, the birds do not have teeth like us. ठीक है बेटा, birds की हमारे इतना teeth नहीं होते। ठीक है, for example अगर आप human beings को observe करते हो या तो फिर आप लोग एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो, तो वी ऑल हैव टीथ एंड ड्यू टू आवर ईटिंग हैबिट्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए टीथ। ओके, सम सो अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोरस, फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस, एंड दोज हु ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स that are known as omnivorous animal. So in the same manner student, the birds also have different types of a beak. Some birds have very small beak, some birds have very curved beak and very hard. Okay, some birds have long hollow beaks. So some birds have broad and flat beaks. Some birds have beak like a hook. So you will observe different types of beaks in the birds. One time I repeat it, some birds have small beaks, some birds have curved beaks, and this is very hard. Some birds have broad and flat beaks like the beak of the duck. Some birds have long hollow beak like hummingbirds. They take nectar from the flowers. Flowers से वो क्या लेते हैं? Nectar. Because nectar is their food. तो वो flowers से nectar लेते हैं, इसलिए उनकी beak long और क्या होती है? Hollow होती है. ठीक है बेटा? Some birds have hooked like beak. Hooked का मतलब होता है hook से हम किसी भी चीज को फंसा लेते हैं. ठीक है? तो hook की तरह बीक्स भी होती है कुछ बर्ड्स की। सो स्टूडेंट, द बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। व्हाई? दिस इज ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट्स, और यू कैन से दे हैव डिफरेंट बीक्स बिकॉज ड्यू टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ओके, सो वी हैव, एंड व्हाट इज द अनदर फंक्शन? As we know that with the help of the beak, the birds eat their food. ठीक है, and they use their feet and claws also, but with the help of the beak, the birds eat their food. So now student, the question arises, what other things the bird do with the help of their beaks? क्या food के अलावा भी कोई चीज है birds करते हैं beak से? Yes student, that is before laying the eggs, they make the nest. ठीक है, अंडे देने से पहले वो नेस्ट बनाते हैं। सो दे कैरी ग्रास, स्मॉल ग्रास ट्विग्स, स्मॉल लकड़ियाँ पेड़ों की, क्लोथ भी यूज करते हैं वो लोग, पेपर भी यूज करते हैं, वुल भी यूज करते हैं। सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स विच इज अवेलेबल इन द सराउंडिंग, कॉटन भी यूज करते हैं वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज द रीजन देर आर अदर यूजेस ऑफ द बीक्स आल्सो।
ठीक है, देर आर अदर यूजेज ऑफ द बीक्स आल्सो, और अपनी बीक से वो अपने पंखों की भी वो करते हैं, ठीक है, पंखों को साफ करने का काम भी वो अपने बीक से करते हैं। आपने कभी देखा होगा, आप जैसे आप लोग को खुजली लगती है तो आप अपने हैंड यूज करते हो ना, इसी तरह वो अपने फैदर्स में, उनके फैदर्स में भी कभी कभी मान लीजिए मड लग गई, मिट्टी लग गई, हाउ दे, तो वो अपने फैदर्स को कैसे अपने बीक से क्लीन करते हैं, ठीक है, वो अपने बीक से अपने फैदर्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, पैरोट की बीक हमने डिस्कस कर ली थी, स्पैरो और पिजन की बीक भी, चलो थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन कराते हुए चलते हैं। अगर एकदम डिटेल में देखना है तब आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, बिल्कुल डिटेल में कराइए, इस वीडियो में हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट में चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हैं तो वो सोचेंगे सर कितना कम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, अगर फुल एक्सप्लेनेशन आपको पैरोट की बीक का, स्पैरो, पिजन और डक का देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी हम जस्ट रिकैप्चुलेशन करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरोट बीक, पैरोट की बीक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पैरोट की बीक की जब हम बात करते हैं तो इट इज कर्व्ड शेप, कर्व्ड बीक है इसकी, कैसी है, कर्व्ड, एंड इट इज वेरी कर्व्ड शेप बीक है, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये मैंने तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में भी स्क्रीन शेयर करके पैरोट की बीक दिखाई थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द बीक ऑफ द पैरोट, दैट इज रेड कलर, ओके, एंड मेनी डिफरेंट कलर्स पैरोट यू आर एबल टू सी, मैक्सिमम देखने को आपको ग्रीन मिलेंगे, लेकिन ग्रीन के अलावा भी दूसरे कलर्स भी होते हैं पैरोट्स में, सो दिस थिंग यू हैव सीन इन ऑनलाइन क्लासेस व्हेन आई शेयर द स्क्रीन ऑफ माय लैपटॉप, ओके, नाउ कर्व्ड शेप हो गया बेटा, पैरोट जो पैरोट है उसकी बीक की शेप क्या कर्व्ड है, उसकी बीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की होती है, क्योंकि पैरोट क्या होता है, बहुत से फ्रूट्स खाता है, ठीक है, और बहुत से फ्रूट्स भी खाता है, और इसके संग संग वो नट्स भी खाता है, नट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट के आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जैसे आप लोग अखरोट खाते होंगे तो अखरोट का जो आउटर कवरिंग होता है, जो आउटर शेल होता है, वो बड़ा हार्ड होता है, बड़ा मजबूत होता है। आप बादाम खाते होंगे, बादाम का भी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो सोचो अगर इसको पैरोट खा रहा है तो आप खुद दिमाग लगाओ, इसका मतलब उसकी बीक बहुत हार्ड होती होगी, क्योंकि बादाम जो हम लोग खाते हैं बेटा वो भी एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर होते हैं, और जिसको हम अपने हैंड से नहीं ब्रेक कर पाते हैं जल्दी, वो इतना हार्ड होता है, ठीक है, अखरोट होता है वो इतने हार्ड होते हैं कि हम अपने हैंड से नहीं ब्रेक कर सकते। हाँ, कुछ क्वालिटी के अखरोट आते हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते। तो सोचो इतना हार्ड होने के बाद अगर पैरोट उसको खा ले रहा है तो इसका मतलब उसकी जो बीक होगी ना बेटा बहुत हार्ड होगी, बहुत हार्ड बीक होगी इसकी, ठीक है। तो ये हो गया, ये नट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, ये सब इसका फूड है, किसका फूड है, आपका ये पैरोट का। उसके बाद हमने डिस्कस की थी स्पैरो, पिजन और पिकॉक की, इनकी बीक्स क्या है, शॉर्ट बीक्स है, ठीक है। ये क्या खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, आपके जो पिजन्स हैं और स्पैरोज, जिसको हम लोग हिंदी में गौरैया चिड़िया भी बोलते हैं, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है। ये ऑनलाइन क्लास में मैंने तुम लोगों को इनकी पिक्चर्स दिखाई थी, तो और नंदिनी मैम ने भी इंग्लिश क्लासेस में तुमको इसकी पिक्चर दिखाई थी, स्पैरो की, गौरैया चिड़िया। और पिकॉक आप लोग जानते ही हो, पिकॉक इज ऑल्सो नोन एज आवर नेशनल बर्ड, इट इज, इट्स फैदर्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे लगते हैं पिकॉक के फैदर, ठीक है। तो ये पिकॉक का, और पिकॉक क्या है बेटा, पिकॉक ओमनीवोरस में मैंने आपको बताया था कि आता है पिकॉक, क्योंकि ये प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है, इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, स्नेक भी खाता है, पिकॉक स्नेक को भी किल करके खा लेता है, इसलिए पिकॉक जो है स्नेक भी किल करके खाता है। इज इट क्लियर? और उसके बाद हमने डिस्कस की थी, अब हो गया पैरोट हमने डिस्कस कर लिया था, फिर हमने स्पैरो की बीक भी डिस्कस कर ली थी, पैरोट, स्पैरो, पिजन भी हमने डिस्कस कर लिया था, पिकॉक, पिकॉक भी डिस्कस किया था, आफ्टर डैट पिकॉक के बाद हमने डिस्कस किया था द बीक ऑफ द डक, डक बीक इज ब्रॉड एंड फ्लैट,
चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, स्कूप द मग, ठीक है। जिस तरह मम्मी लोग आपकी करछी से खाना बनाती है, खाने को चलाती रहती हैं ऐसे ऐसे करछी से, इसी तरह इसकी बीक होती है, ठीक है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है आगे से, यहाँ से ब्रॉड होगी, यहाँ से ब्रॉड होगी और आगे से क्या होगी, फ्लैट होगी। तो ये क्या करती है, जैसे मड वाटर उसमें स्कूप करती है, ये ऐसे वो बीक अपनी ओपन करेगा, ये देखो बीक ऐसे वीक है, मड वाटर ने ये ओपन की, ये स्कूप कर ली और सारा मड किस में भर लिया, अपने बीक के अंदर भर लिया, मड को कहाँ भर लिया, स्कूप कैसे किया, ऐसे ऐसे ओपन किया, ये थोड़ा सा स्लैंट टिल्ट किया और मड में अपनी बीक डाली और उसको ऐसे ऊपर बंद कर लिया, ऐसे बंद कर लिया। अब क्या होता है कि डक के बीक में दो होल्स होते हैं, ठीक है, उसके बीक में दोनों साइड होल्स होते हैं। तो अब डक के खाने का यही तरीका है, अब जब वो स्कूप कर लेती है बेटा, तो इन होल्स में से वाटर और मड आउट हो जाती है, ठीक है, इन होल्स में से वाटर और मड क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। एंड व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द बीक ऑफ द डक, दैट इज स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल प्लांट्स रह जाते हैं जिसको डक खा जाती है। देखो कितना बढ़िया फिल्टर भगवान ने डक को दिया है, आप गंदा पानी मुंह में ले लो तो आपका पानी आ सकता है आपके नाक से बाहर, नहीं। देखो भगवान ने हर किसी को एक बहुत यूनिक फीचर दिया है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप को सरवाइव करने के बड़े अलग अलग मेथड हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अपना खाना गंदे में से निकाल रही है, मड वाटर एकदम पॉल्यूटेड होता है, जहाँ मड है पॉल्यूटेड वाटर, जिस वाटर को हम लोग कोई भी चीज में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे वाटर को डक क्या कर रही है, अपने बीक के अंदर ले ले रही है और उसके जो होल्स हैं उसमें से अपने आप वाटर और मड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और व्हाट इज लेफ्ट इन द बीक ऑफ द डक, दैट इज द स्मॉल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, और उसको डक क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ने डिस्कस किया था हमिंग बर्ड, उसके बाद हमने डक भी हो गया था, हमिंग बर्ड्स है ना, उसके बाद हमने हमिंग बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। ये क्या है, ये भी स्मॉल बर्ड्स हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, दीज आर स्मॉल बर्ड्स, ये कैसे बर्ड्स हैं, छोटे बर्ड्स हैं, दीज आर ऑल्सो स्मॉल बर्ड्स हैं, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स हैं, इनकी बीक क्या होती है, लॉन्ग होती है एंड अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है, ठीक है। तो ये बीक क्या, स्ट्रा का काम करती है, स्ट्रा जैसे आप लोग एप्पल जूस पीते हो, अमूल का लस्सी पीते हो, फ्रूटी पीते हो, उसमें एक पाइप लगी रहती है जिसको स्ट्रा बोलते हैं, उस पाइप को मुंह में लगाते हैं और सिप करते हैं तो वो जूस जो है हमारे अंदर जाने लगता है, बड़ा मज़ा आता है ना, ओके। तो स्मॉल बर्ड्स जो हो गए बेटा आपके, स्मॉल बर्ड्स है, इसकी लॉन्ग बीक होती है और हॉलो होती है, हॉलो मतलब खाली होती है, और ये बीक को कहाँ डालता है, फ्लावर के सेंटर में डालता है, क्योंकि फ्लावर के बेस में नेक्टर होता है और वहाँ से सिप कर जाता है, चूस चूस के उसको, स्ट्रा की तरह उसकी बीक होती है, वहाँ से वो उसको पी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमिंग बर्ड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईगल्स, वल्चर्स एंड आउल, किल्स एनिमल्स। अब देखो ये कैसे बर्ड्स हैं बेटा, कार्निवोरस, बिकॉज ये फ्लैश खा रहे हैं, फ्लैश शीटिंग एनिमल्स हैं, ये कैसे एनिमल्स हैं, फ्लैश शीटिंग, ठीक है। ईगल्स हैं, ईगल्स, वल्चर्स और आउल्स, ठीक है। ईगल आपने देखी होगी, इसे आप हिंदी में चील बोलते हो, जो बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ती है, बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ती है, ठीक है। वल्चर्स है, इसे गिद्ध बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश नेम
वल्चर्स है, आउल्स जो कि उल्लू को बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द नेम। नाउ दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक्स टू टियर अप द फ्लैश। अब इन तीनों की जो बीक है, ओके, इन तीनों की जो बीक है वो कैसी है, हुक्ड शेप है। दे हैव हुक्ड बीक, दे हैव हुक्ड बीक टू टियर द, टू टियर द फ्लैश। सो दीज आर कार्निवोरस बर्ड्स। और यू कैन ऑल्सो से इट एज ए फ्लैश हीटिंग, फ्लैश हीटिंग बर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ईगल है, वल्चर, आउट्स, इनकी बीक कैसी है, हुक्ड शेप बीक है, टू टियर द फ्लैश। टियर मतलब ऑलरेडी मैंने फिफ्थ चैप्टर में भी समझाया था आपको कि जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं तो फ्लैश बहुत हार्ड होता है। देखो बेटा, आप सबके घर में फ्लैश भी आता होगा और वेजिटेबल्स भी आती होगी। वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट होती हैं, एक पतली सी नाइफ होती है आपके घर में, उससे मम्मी आपकी सारी वेजिटेबल्स कट कर लेती हैं, तो वेजिटेबल सॉफ्ट होती हैं। लेकिन जो बेटा फ्लैश होता है, फ्लैश बहुत हार्ड होता है। वेजिटेबल वाले नाइफ से अगर आप सोचोगे फ्लैश काटें तो नहीं कटेगा, फ्लैश क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो बेटा एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स की तरह खाना तो नहीं बनाते, उनके पास किचन नहीं है, उनके पास गैस नहीं है एलपीजी की, वो तो हमारी तरह खाना नहीं ना बनाएंगे। उन्हें तो ऐसे रा खाना है, ये सब मतलब उन्हें ये सारी चीज़ें कच्चा खानी है। तो आप सोचो इसका मतलब उनकी बींग्स कितनी हार्ड और शार्प होती होंगी, हार्ड भी होंगी शार्प भी बहुत ज़्यादा होंगी। इज इट क्लियर? तो इन एनिमल्स की बीक कैसी है बेटा, इन एनिमल्स की, ईगल्स की, वुल्चर्स की, ईगल वुल्चर आउट्स, इनकी बीक कैसी है, हुक्ड शेप बीक है, हुक की तरह है, ठीक है। इनकी बीक्स कैसी है बेटा, हुक्ड शेप बीक्स है, ठीक है। तभी तो ये हुक शेप बीक्स होंगी और बहुत शार्प होंगी, शार्प होंगी, जिससे ये उस बीक को उस फ्लैश में, उस मांस में उसको पॉइंट करेंगे। और ये हुक की तरह होंगी तो ये जो मांस के टुकड़े इसमें फंस जाएंगे और तब वो उसको टेयर करेंगे। टेयर करना मतलब चीर चीर के उसके छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि वो उसको खा सके, ठीक है। अपनी पॉइंटेड शार्प बीक्स को, हुक शेप बीक्स को ये फ्लैश में डालेंगे। और फिर फ्लैश में डाला, देखो जैसे ये है, ठीक है, ये है हुक्ड शेप है। अब ये फ्लैश में अंदर चली जाएगी और ये देखो, और ऐसे करके खा जाएगी, ठीक है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हो, आप सोचो कि एकदम सामने सामने ऐसे ये पौधे, तो आप एनिमल चैनल या डिस्कवरी चैनल्स में बहुत अच्छा दिखाता है एनिमल्स के बारे में, आप ये सब चैनल देखा करो, ठीक है। कार्टून चैनल तो देखते ही देखते हो, लेकिन ये चैनल बहुत नॉलेजेबल होते हैं, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल, वॉच दिस, ठीक। तो अब हो गया ईगल वुल्चर आउट्स का डिस्कस कर लिया, बिग हुक शेप की होती है, क्लियर। दीज आर कार्निवोरस बर्ड्स हैं और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं। अब देखो ईगल्स है, ईगल्स छोटे छोटे जानवर खाती है, जैसे माउस मिल जाएगा उसको खा जाएगी, फ्रॉग को खा जाएगी, स्क्वायरल, गिलहरियाँ जो पेड़ों पर होती हैं उसे पकड़ के खा सकती है, छोटे फ्रॉग्स तो हैं, रैबिट्स भी खा जाते हैं, और ये स्नेक भी खा जाते हैं। तुम लोग को अभी मैंने थर्ड चैप्टर, थर्ड या अभी कौन सा प्लांट वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये एनिमल वाला चैप्टर, एनिमल अराउंड अस, उसमें मैंने फूड चेन बनाई थी, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, फाइनली स्नेक को कौन खा गया, ईगल खा गया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बना के दिखाया नहीं था फूड चेन में। तो दे ईट
स्नेक आल्सो, ईगल क्या है स्नेक को भी ईट करती है। तो ये आपके हो गए कार्निवोरस एनिमल्स जिनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ईगल वल्चर और आउल्स। ठीक है, सो ये अब देखो वल्चर्स क्या है, ये कोई एनिमल कोई जानवर मार गया या तो कोई बड़े एनिमल्स जो होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स शिकार करते हैं और लेफ्ट ओवर मीट जो है तो उसको भी खा जाते हैं ये सब वल्चर्स। अगर कोई देखो फॉरेस्ट में बहुत से, देखो बेटा हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम पैदा हुए हैं तो हमें एक दिन मरना भी है, लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन सब कुछ किया जाता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं, एनिमल्स मरते जाते हैं। तो बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं, अब देखो अगर एनिमल मरते जाते उनकी बॉडी को कोई खाने वाला नहीं होता बेटा, तो सारी दुनिया मरे हुए जानवरों, इतने मरे हुए जानवर हो जाते हैं हमारे अर्थ पे कि हमको पैर रखने की जगह नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? देखो हर चीज जो भी चीज़ है उसे ख़त्म भी होना है। अगर आप लोग सोचो, बहुत लोग सोचते हैं अरे ये एनिमल्स बड़े बदमाश हैं, देखो फिर कार्निवोरस एनिमल को बहुत बच्चे सोचते नहीं अच्छे नहीं होते हैं, दूसरे को किल करके खा जाते हैं। अरे बेटा अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होते ना तो आप सोचो प्लेनेट पे कोई नहीं होता, ना प्लांट होते ना हम, कोई नहीं होता, सब मर जाते। क्योंकि अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं होते तो इतने ज़्यादा हर्बीवोरस एनिमल अर्थ पे होते, और हर्बीवोरस एनिमल क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सारे प्लांट्स के पत्ते तो ये हर्बीवोरस एनिमल खा जाते, सारे के सारे पत्ते ये खा जाते। अगर प्लांट्स में लीव्स ही नहीं होती तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते, बिकॉज लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, सो प्लांट्स अपने लीव कैसे बनाते, नहीं बना सकते थे। तो इसी ने नेचर में सब कुछ बैलेंस करने के लिए हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे इस नेचर में, उसके लिए हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे बहुत से एनिमल मर जाते हैं तो अब उनकी लेफ्ट ओवर बॉडीज को ये बॉड वल्चर्स ये खा जाते हैं, ये सब खा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा बैलेंस बनाया गया है नेचर में कि सब कुछ प्रॉपर है। ठीक है, तो वल्चर्स खाते हैं, आउट्स हैं ये भी कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हीरोन बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हीरोन ईट फिश, ईट्स फिश, ये भी आपके किसमें आएगा कार्निवोरस बॉडी में। ठीक है, अब नाउ विच टाइप ऑफ, इसकी लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है लाइक ए स्पीयर्स। ठीक है, लाइक ए स्पीयर, स्पीयर मीन्स होता है लाइक ए स्पीयर, स्पीयर मीन्स होता है भाले को कहते हैं। ठीक है, इस तरह के भाले हुआ करते थे। ठीक है, जो आगे से बहुत शार्प होते थे। ठीक, तो अब देखो हीरोन ईट्स फिश, तो अब इसकी जो लॉन्ग बीक होती है और आगे से बहुत पॉइंटेड होती है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है, तो अब ये क्या करता है, ये फिश को अपनी बीक्स को ओपन करके नहीं खाता है, ऐसे ओपन करके नहीं है कि ऐसे मुंह ओपन किया फिश को पकड़ा खा लिया, नहीं, ये क्या करता है, इसकी बीक बहुत पॉइंटेड होती है तो ये फिश की बॉडी में निडल की तरह बीक को अंदर कर देता है, और उसके बाद जब निडल की तरह चली जाती है फिश की बॉडी के अंदर उसकी बीक, तो उसको लिफ्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसे किया
अब ये मान लो मेरी ये फिंगर यहाँ से निकल के इधर आ जाती तो हम इसको ऐसे लिफ्ट कर देते, तो ऐसे वो करेगा, निडल की तरह चली जाएगी फिश की बॉडी में और उसके बाद वो उसको क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। तो इस तरह की बीक आपकी किसकी होती है, स्पेयर शेप बीक किसकी आती है, हेगोन की। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या दिया है, वुड पैकर्स। अच्छा, नेक्स्ट है वुड पैकर्स। अब वुड पैकर्स, ठीक है, सो अब जो वुड पैकर की जो बीफ होती है इज लाइक ए चीजर, ठीक है, चीजर जो कारपेंटर लोग होते हैं ना बेटा, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, ठीक है, जो कारपेंटर्स लोग होते हैं बेटा लकड़ी के सामान बनाते हैं, तो उनके पास इस तरह का इस शेप को हम लोग चीजर बोलते हैं, ठीक है, उनके पास इस तरह का एक पॉइंटेड टूल होता है, ठीक है, इस तरह का एक पॉइंटेड टूल होता है और वो उससे क्या करते हैं, वुड में होल करते हैं, ये आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होता है, तो उससे मार के मान लो ये चीजर है, ये वुड में लगा दिया और ये क्या है बेटा, हैमर है, मान लो मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर ने तो चौक लिया है, उससे कुछ नहीं था, मान लो बेटा ये क्या है चीजर और ये क्या है हैमर। अब देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इससे जब करूंगा तो ये वुड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो द सेम रोल होता है आपके वुड पैकर का, वुड पैकर इज द नेम ऑफ द बर्ड। ये क्या करता है, ट्री के बार्क में बड़े बड़े पेड़ों के स्टेम को हम लोग ने क्या कहा था, ट्रंक, इसको हमने क्या बोला था, ट्रंक। जी जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना बेटा, इसकी भी आउटर कर्विंग होती है, इसको हम लोग, ठीक है, इस आउटर कवरिंग, जैसे ये ट्री की ट्रंक है तो इसकी एक आउटर कवरिंग होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आ जाना, ये था आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, एक स्किन सी का हर पेड़ में होती है, ठीक है। और बड़े पेड़ों में बहुत अच्छी विजुअल होती है, जो आउटर कवरिंग जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, बी ए आर के, बार्क, और हिंदी में इसे कहते हैं पेड़ों की छाल, क्या कहते हैं, पेड़ों की छाल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बार्क बोलते हैं। तो जो वुड पैकर है ना, इसकी जो बीक होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और लाइक ए चिजल, चिजल शेप मैंने दिखा दी एकदम निडल की तरह। ये क्या करता है, मान लो ये ट्री है, मान लीजिए ये ट्री है, तो इसकी बीक इतनी हार्ड होती है कि ये ट्री में, मान लो ये ट्री है, देखो ये ट्री थी और अब ऐसी होगी, तो इसने अपनी बीक से क्या बना दिया, यहाँ पे बोल बना दिया, आई बात समझ में, इसकी बीक इतनी हार्ड होती है कि ये इससे ट्री में क्या कर देता है, होल कर देता है, और उस होल में से जो पेड़ों में भी बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और उस होल में से जो इंसेक्ट्स ये सब निकलते हैं उनको ये क्या करता है, खा जाता है। इज इट क्लियर। सो वुड पैकर टैक्स का टैक मतलब इस तरह बीक से मार मार के, इस तरह ऐसे ऐसे ही मारेगा तभी तो धीरे करते 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 होल्ड होगा, ठीक है।
सो अ वुडपेकर टैप्स द बार्क ऑफ ट्री विद हिज शार्प पॉइंटेड बीक. इसकी बीक कैसी होती है? शार्प पॉइंटेड बीक. एंड व्हाट इट डू? इट मेक्स होल, इट मेक्स अ होल इन द बार्क टू पुल आउट इंसेक्ट्स टू इट. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द बिल ऑफ द वुडपेकर? दैट इज अ चिजल शेप. थैंक यू स्टूडेंट.